हेलो एवरीवन, गाइस आईपीएल 2021 का सेकंड फेज 19 सितंबर से हमें यूएई में होता हुआ दिखने वाला है। और आईपीएल 2021 के शुरू होने से पहले ऑलरेडी राजस्थान रॉयल्स की टीम को बहुत बड़ा झटका लग चुका है, जहां पर जोफ्रा हमें आईपीएल 2021 के सेकंड फेज में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। वहीं पर जॉस बटलर भी हमें बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आईपीएल 2021 के सेकंड फेज में खेलते हुए नजर नहीं आने वाला है। तो आखिरकार आरआर की टीम आईपीएल 2021 के सेकंड फेज में इन दोनों ही प्लेयर्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर किन प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल कर सकती है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो गाइस बात करें हम सबसे पहले जोफ्रा आर्चर के बारे में, तो जोफ्रा आर्चर अब इस साल कोई भी क्रिकेट खेलने वाले हैं। इनके इंजरी की वजह से इनकी एक और बार सर्जरी होने वाली है और इसी को लेकर ये हमें T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं खेलते हुए नजर आने वाले। ये 2021 में कोई भी अब मैच नहीं खेलते हुए नजर आएंगे, ये क्रिकेट से दूर रहने वाले हैं 2021 में। तो ऐसे में इनकी रिप्लेसमेंट की जरूरत होगी आरआर की टीम को। आरआर की टीम ने भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया कि जोफ्रा आर्चर आईपीएल 2021 के सेकंड फेज का पार्ट भी नहीं होने वाला है। तो इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर आरआर की टीम सबसे पहले वनिंदु हसरंगा को अपनी टीम में शामिल करने की जरूर से कोशिश करने वाली है, क्योंकि वनिंदु हसरंगा का प्रदर्शन बहुत ही कमाल कर रहा था। आपने देखा ही होगा कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में इन्होंने कितनी बढ़िया गेंदबाजी करी थी। और आरआर की टीम को ज़रूरत भी है एक बढ़िया स्पिनर की, और जैसा कि हमने देखा ही था आईपीएल 2021 के फर्स्ट हाफ में, जहां पर इनके स्पिनर बहुत अच्छी तरीके से गेंदबाजी नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में अगर ये आरआर की टीम में आते हैं तो आरआर की टीम की जो स्पिन डिपार्टमेंट की दिक्कत है वो वनिंदु हसरंगा दूर कर सकते हैं। अब दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वहाँ पर नाम आता है इंग्लैंड के ही शाकिब महमूद का। शाकिब महमूद के बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, अच्छे बॉलर है और पिछले कुछ टाइम से इंग्लैंड की टीम के लिए काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर T20 में भी इनका प्रदर्शन अच्छा रहा है और ODI में भी इन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी है और इनकी स्पीड भी काफ़ी बढ़िया, ये 140 प्लस अच्छे खासे तरीके से डाल देते हैं। तो शाकिब महमूद बहुत ही अच्छी एक मेरे हिसाब से रिप्लेसमेंट साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये PSL में भी खेल चुके हैं और UAE में इनको कंडीशंस का अंदाज़ा है। तो अगर आरआर की टीम वनिंदु हसरंगा को नहीं ले पाती अपनी टीम में, तो वो जोफ्रा आर्चर के रिप्लेसमेंट के तौर पर शाकिब महमूद को भी ट्राई कर सकते हैं, अपनी टीम में लाने की कोशिश कर सकते हैं। अब गाइस बात करें जॉस बटलर के बारे में, तो दोस्तों जॉस बटलर आईपीएल 2021 के सेकंड फेज में नहीं खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वो और उनकी वाइफ सितंबर के महीने में बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ऐसे टाइम में जॉस बटलर अपने परिवार के साथ टाइम बिताना चाहते हैं। तो ऐसे में आरआर की टीम के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होने वाला है, इसी वजह से वो हमें बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ये हमें आईपीएल 2021 के सेकंड फेज में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स बात करें हम इनकी रिप्लेसमेंट के बारे में, तो आरआर की टीम सबसे पहले एलेक्स हिल्स को टारगेट कर रही है कि वो किसी न किसी तरीके से आरआर की टीम में आ जाए, क्योंकि इनका प्रदर्शन पिछले कुछ टाइम से बहुत बढ़िया रहा है। इंग्लैंड की टीम में इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन ये प्रदर्शन कमाल का कर रहा है। चाहे बात की जाए बिग बैश लीग की, PSL में भी इनका ठीक ठाक प्रदर्शन रहा था, और अभी जो हो रही है इनकी जो दी 100 लीग, वहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। और दोस्तों आरआर की टीम के लिए एक अच्छे रिप्लेसमेंट साबित हो सकते हैं, जॉस बटलर के रिप्लेसमेंट में एलेक्स हिल्स एक बहुत बढ़िया रिप्लेसमेंट साबित हो सकता है। इस बात करें हम दूसरे प्लेयर की, अगर एलेक्स हिल्स आरआर की टीम में नहीं आते तो आरआर की टीम उनको टारगेट कर सकती है, वो है दोस्तों न्यूजीलैंड के डिवॉन कॉनवे। अब डिवॉन कॉनवे का भी प्रदर्शन पिछले कुछ टाइम से न्यूजीलैंड की टीम के लिए काफी बढ़िया रहा है, और आईपीएल में दोस्तों ये बहुत ज्यादा डिमांड में रहने वाले कई खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट के तौर पर। ऐसे में आरआर की टीम भी इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी टीम में शामिल कर सकती है, जहां पर डिवॉन कॉनवे बहुत ही बढ़िया T20 के प्लेयर है, अच्छा खासा प्रदर्शन किया है इन्होंने न्यूजीलैंड की टीम के लिए, और दोस्तों ये ओपनिंग भी कर सकते हैं और मिडल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। तो आरआर की टीम जॉस बटलर के रिप्लेसमेंट के तौर पर एलेक्स हिल्स या डिवॉन कॉनवे, इन दोनों ही खिलाड़ियों में से किसी एक खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करने की जरूर कोशिश करेगी। आपके मुताबिक आरआर की टीम को जॉस बटलर के रिप्लेसमेंट के तौर पर और जोफ्रा आर्चर के रिप्लेसमेंट के किस खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल कर लेना चाहिए वो आप कमेंट करके जरूर बताएगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।